हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, हम कंपेन चलाते हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों के लिए वो बेनिफिशियल होगा। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को आप पूरा कंप्लीटली देखिएगा, उसके बाद ही आपको रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो रिएक्शन देते पहले हैं, वीडियो बाद में देखते हैं। मैं चाहूँगा कि पहले आप वीडियो को पूरा कंप्लीटली देख लीजिएगा बिना स्किप किए, उसके बाद ही अपना रिएक्शन दीजिएगा, ठीक है। आपको पता है कि नीट 2021 में बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम पर बहुत ज़्यादा दिक्कत भी हुआ था। आप स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे, ये एग्ज़ाम, ये ड्रॉपर बच्चा है नीट 2021 का, इसने एग्ज़ाम दिया और ये साफ साफ बोल रहा है कि एक लड़की स्मार्ट वॉच लेकर गई थी अपने एग्ज़ाम सेंटर पर, ठीक है, साथ ही स्मार्टफोन लेकर गई थी। और ये भी बोल रहा है कि स्मार्ट वॉच एक लड़का वहाँ पर लेकर गया था, जब ये जिस रूम पर ये बैठा था वहाँ पर, इसका बोलना है कि वहाँ पर ये गया था और वहाँ पर स्मार्ट वॉच उसके हाथ पर लगी हुई थी। देखा आपने, लापरवाही का नतीजा है। मैं ये कहता हूँ, और मैं सबसे पहले एनटीए से रिक्वेस्ट करूँगा कि एनटीए प्लीज़ नीट 2021 की तरह इस साल ना करें। पिछले साल भी जो पेपर लीक होता है, देखिएगा, पेपर लीक होने का सीधा सा मतलब है कि आपका जो कॉलेज है, जो जिस कॉलेज में हमारा सेंटर जाता है, वो कॉलेज सही से स्ट्रिक्टली चेक नहीं करता है बच्चे को। अब मैं ये कहता हूँ कि जिस बच्चे ने कमेंट किया है, ठीक है, क्या आपको लगता है कि जो स्मार्ट वॉच स्मार्टफोन लेकर अंदर गया है वो कैसे ले पाया? क्योंकि जिस कॉलेज के गेट पर चेकिंग हो रहा था, उस कॉलेज के गेट पर वहाँ के स्टाफ ने सही से चेक नहीं किया। मैं एनटीए से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ जितने भी कॉलेज में एग्ज़ाम हो, सभी कॉलेज को ये ऑर्डर दे कि सही से स्ट्रिक्टली चेक कीजिएगा, क्योंकि इस पर आपको एक मैं चाहता हूँ कि एनटीए इस पर एक बाउंडेशन बनाए कि अगर ऐसा कोई भी कॉलेज पकड़ा जाता है तो उस पर स्ट्रिक्टली एक्शन लिया जाएगा, ठीक है। देखिएगा, नीट 2021 का एग्ज़ाम है 17 जुलाई को और रेगुलरली वीडियो चलती रहेगी। नीट 2021 में जिस तरह से एग्ज़ाम लीक हुआ, जिस तरह से बच्चों को परेशानी हुई थी, मैं चाहूँगा कि एनटीसी बस इतना रिक्वेस्ट है कि नीट 2021 में ना हो। जब कोई बच्चा, कोई बंदा चोरी करता है, अगर चाहे उसने एक बार चोरी की हो चाहे 50 बार चोरी की हो, एक बार चोरी करने के बाद भी वो चोरी कहलाएगा, ठीक है। एक बार पेपर लीक हुआ, चाहे एक स्टूडेंट के पास लीक हुआ हो एक बार पेपर, चाहे कुछ भी हो, लीक तो हुआ ना, एक बार पेपर लीक हुआ, चाहे एक स्टूडेंट के पास पेपर लीक हुआ, तो वो लीक तो लीक ही है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पर बताऊँगा फ्रेंड्स कि देखिएगा, आप लोगों का बस सपोर्ट चाहिएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जितने भी इन्फ्लुएंसर, जितने भी यूट्यूबर्स मेरी इस वीडियो को देखते हो, जितने भी पेरेंट्स मेरी इस वीडियो को देखते हैं, मैं चाहूँगा कि वो अपने सारे ग्रुप में शेयर करें, अपने सारे जितने भी अकाउंट वगैरह हैं, फेसबुक वगैरह, सारे जगह अपने इस वीडियो को शेयर करें। और जितने भी इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर इस वीडियो को देख रहे हो, प्लीज़ मैं आपसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप भी थोड़ा सपोर्ट कीजिएगा। हालांकि हम कुछ यूट्यूबर्स ने ये फैसला लिया है, डिसीजन लिया है, लेकिन जिनसे हम लोगों की बात नहीं हो पाई है या नहीं होती है, तो वो भी मैं उनसे मेक श्योर कि आप भी थोड़ा हम लोगों की हेल्प करें, जिससे जो नीट 2022 के बच्चे एग्ज़ाम दें उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। आप लोग इस वीडियो को, या तो वो एक आप सेपरेट वीडियो बनाओ, ठीक है, जिससे हम एक सब ग्रुप में रहकर काम कर सकें। दूसरा, अगर नहीं बना पाते हो तो अपने कम्युनिटी टैब में इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, जिससे उन छात्रों को हेल्प मिल सके। देखिएगा, जब पेपर लीक होता है तो सीधी सी बात है कि एग्ज़ाम जो होता है ना, एग्ज़ाम लीक होता है, लीक होने के बाद कट ऑफ जाहिर सी बात है ऊपर जाएगी। वैसे भी बहुत ज़्यादा हाई कट ऑफ जाती है, पेपर लीक होगा तो वैसे भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई चली जाएगी, ठीक है। जो बच्चा बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, दो दो साल से लगे हुए हैं, ठीक है, वो उन बच्चों की मेहनत सारी बर्बाद हो जाती है, क्योंकि जो बच्चे पेपर लीक कराते हैं, रुपये देकर एग्ज़ाम करा लेते हैं, ये करा लेते वो, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है, क्योंकि वो कोई मेहनत नहीं की हुए होते, ठीक है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी में रुपये ही देकर काम कराएंगे और कुछ नहीं करा पाएंगे, ठीक है। तो जितने भी बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं, एक सीरियसली होकर के एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल फोकस्ड है, जो अपना खाने का टाइम भी निकाल कर ही खाते हैं, ठीक है, तो उनके लिए मैं हेल्प है इस वीडियो में कि वो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएं अपनी राय क्या है, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। इन्फ्लुएंसर यूट्यूबर जितने भी इस वीडियो को शेयर करें, और आप भी एक कंपेयर रन करें जो भी हम आपको बता रहे हैं इस वीडियो में बता रहे हैं, तो वो भी आप एक बार अपने यूट्यूब चैनल पर बताएं, जिससे जो बच्चे हैं उनको मदद मिल सके और एनटीए तक ये कंपेन जो है, ये जो वीडियो हैं वो शेयर हो सके, उनके तक पहुँच सकें, जिससे वो वीडियो को देखें और वो थोड़ा सा स्ट्रिक्टली पेश आएँ कॉलेज के साथ, स्टाफ के साथ थोड़ा स्ट्रिक्टली पेश आएँ, जिससे जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनकी मेहनत बर्बाद ना हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ होता है एग्ज़ाम 17 जुलाई को, मैं कुछ सेंटर पर जाऊंगा जहां पर एग्ज़ाम होंगे, उस सेंटर पर कुछ पर जाऊंगा और मैं वहां पर भी देखूंगा जाकर के, मैं खुद बच्चों से एनालाइज़ करूंगा, बच्चों से पूछूंगा कि आपके जो सेंटर है, आप जिस एग्ज़ाम सेंटर हॉल में बैठे हुए थे, जिस रूम में आप बैठे हुए थे, आपको क्या लगता है कि वहां पर कोई दिक्कत प्रॉब्लम तो नहीं होती। मैं सब कुछ जगह जाऊंगा जहां तक पॉसिबिलिटी हो सकती है, और मैं कुछ कोशिश करूंगा कि मेरे साथ कुछ लड़के भी जाएं, कुछ मेरे साथ टीम भी जाए,
तो मैं जहाँ जहाँ पॉसिबल होगा मैं वहाँ जाऊँगा। आप कहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं, किस सिटी में आप एग्ज़ाम दे रहे हो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मेक श्योर मैं कंफर्म कर सकूं कि मैं किस किस जगह पर जाने के प्रयास कर सकूं, ठीक है। तो बाकी आपको कुछ अपडेट चाहिए तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं आपके ऑल टाइम साथ हूं। आपको कोई भी अपडेट चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं सबके कमेंट पढ़ता हूं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी के कमेंट नहीं पढ़ता हूं, सभी के कमेंट पढ़ता हूं, ठीक है। बाकी हम आपके साथ हैं, एग्ज़ाम तक हम आपके साथ रहेंगे, एग्ज़ाम के बाद भी साथ रहेंगे, काउंसलिंग में भी आपके साथ रहेंगे। बाकी जो अपडेट मिलेगा हम आपको इन्फॉर्म जरूर करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, जैसे हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।